What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 17 मार्च 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:25 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा वीक के पहले ही दिन फिर से एक बार निफ्टी ने ऑल टाइम सेकेंड हाईएस्ट फॉल कल हमें दिखाया, लेकिन जो फ्राइडे को एक बुलिश कैंडलस्टिक बना था उसके हाई और लो के बीच में ही ये ट्रेड कर रहा है, यानी इनसाइड बार ट्रेडिंग हो रहा है। और कल यूएस मार्केट देखे तो फिर से एक बार वहां पर लोअर सर्किट बन गया था। लोअर सर्किट के बाद फिर से 15 मिनट्स के लिए मार्केट यूएस मार्केट बंद हो चुके थे। तो आज क्या माहौल है, क्या मार्केट में रिकवरी आ सकती है, या फिर जैसे यूएस मार्केट में फिर से एक बार लोअर सर्किट लगा है तो क्या सिचुएशन यहाँ पर भी उसी तरह पैनिक मूव देखने को मिलेगा। कोरोना वायरस का टेंशन काफी बढ़ते हुए नजर आ रहा है दुनिया भर में, लेकिन इंडिया की बात करें तो हमने काफी जल्दी प्रिकॉशंस लेने स्टार्ट कर दिए हैं, तो अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। ये स्थिति जो है ये अभी सेकेंड स्टेज में है। अगर ये थर्ड स्टेज जैसा रूप अपनाती है जैसे इटली और ईरान, तो यहाँ पर जो मार्केट इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी और थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल यहाँ पर दिखाई दे सकता है। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 16 मार्च आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है कल का। अगर आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9550 के पास। तो जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, जस्ट ब्रेकडाउन लेवल के ऊपर ओपन हुआ टूवर्ड्स साउथ की तरफ जैसे ही आया, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 9453 ये अचीव हुआ, और उसके बाद सेकेंड टारगेट 9376 ये भी अचीव हुआ। आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ से फिर बाउंस बैक हुआ, और ब्रेक डाउन लेवल का ये जो लेवल मार्क किया था एग्जैक्ट इसी के पास फिर से रेजिस्टेंस फेस करके ऊपर इसके 20 एमए का भी ये मूविंग एवरेज आ रहा था, और जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ तो फिर से फर्स्ट टारगेट के यहाँ पे इसने कुछ समय पॉज लिया, फिर सेकेंड टारगेट फिर से एक बार अचीव हुआ। एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट का जो लेवल आइडेंटिफाई किया था इसी के पास ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही यूरोपियन मार्केट्स भी ओपन हो गए वहां पर भी प्रेशर देखने को मिला, तो 1 बजे के बाद और भी ये फॉल टुवर्ड साउथ की तरफ और ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो काफी कल एक्यूरेट लेवल साबित हुए। हम देख रहे थे 3-4 दिनों से काफी गैप डाउन ओपन हो रहा है, काफी पैनिक सिचुएशन है, तो ऐसे में ट्रेड करना काफी मुश्किल हो रहा था। प्री मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग लाइव मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी तरह से और काफी बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी करने को मिल रही है कुछ दिनों से, लेकिन वोलेटाइल मार्केट है तो वन साइड ऑप्शन लेग के साथ ट्रेड करना काफी दिक्कत भरा हो सकता है। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 68 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 51,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे। कल अमेरिकी बाजार जैसे कि आप देख सकते काफी गिरावट के साथ बंद हुए, नासडैक 970 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो वहां पर भी लाल निशान में कारोबार हो रहा था। आज एशियाई मार्केट्स ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी 114 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है प्रेशर। कल आरबीआई की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 4 बजे, सबको लग रहा था कि यहाँ पर आरबीआई भी फेड की तरह ब्याज दरें घटा सकता है, लेकिन आरबीआई ने अभी तक वो फैसला नहीं लिया है। कहा है कि एमपीएससी की बैठक में ये इसके ऊपर बात होगी और तभी कुछ फैसला लिया जाएगा, यानी रेट कट कम नहीं किया, यानी इसका मतलब है अभी इंडिया यहाँ से क्योर होने के चांसेस है। अगर 10-15 दिन के बाद अगर सिचुएशन देख के इसके बाद अगर कोई नतीजा आता है रेट कट के बारे में तो इसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी अभी पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड कर रहा है। बाकी के एशियाई बाजार देखे तो वहां पर प्रेशर बनता हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो वो अभी 750 पॉइंट्स की फिर से एक बार एक रिकवरी देखने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक सिचुएशन बरकरार है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट को देखेंगे एक बार फिर से। यहाँ पर अभी ये
सपोर्ट के पास है, मेजर सपोर्ट के पास है, जहां पर 2008 में भी इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक दे गया था, यानी 100 ईएमए के पास ये है अभी, जहां पर ये 61.8% का ये लेवल भी उसी के पास आ रहा है। तो यानी दो पॉइंट्स है यहाँ पर एज अ सपोर्ट के लिए हम मार्क कर सकते हैं। पास्ट में भी इसने यहाँ पर ये जो स्विंग हाई बनाया था ये भी इसी लेवल के पास बनाया था, यानी जो पास्ट में रेजिस्टेंस का काम करता है वो अभी सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मेजर सपोर्ट का जोन अभी यहाँ पर बना हुआ है। फ्राइडे को भी देखा था यहाँ से ट्रमेंडस बाइंग हमें देखने को मिली थी। अगर ये लास्ट जो काफी क्रूशियल सपोर्ट है ये भी अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी 6825 के लेवल्स तक भी पहुंच सकता है। ये टेक्निकली लेवल्स है, अगर ये ब्रेक्स होते हैं तो हमें नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर 15 आने वाले कुछ दिनों में मार्च तक अगर स्थिति में कोई पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, अच्छी खबरें आती है, तो मार्केट यहाँ से रिकवर भी कर सकता है। तो ये मंथली चार्ट का सीनारियो है। चलते हैं डेली चार्ट में। मंथली चार्ट में देखे अभी तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है ये अभी भी असेंडिंग ऑर्डर्स में है, लेकिन डेली चार्ट में देखे तो ये टोटली इसके अपोजिट है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है। 100 ऊपर है, उसके बाद 50 और उसके बाद 20 और नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, यानी डेली चार्ट में कम्प्लीटली यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ये तब्दील हो चुका है। लेकिन मंथली चार्ट को देखे तो अभी भी ये पॉजिटिव ट्रेंड हमें दिखा रहा है, लेकिन निफ्टी इंडेक्स जो है ये इन मूविंग एवरेज इसके बीच में अभी ये ट्रैप हो चुका है। वीकली चार्ट को देखे तो अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं आप 50 और 20 का ये निगेटिव क्रॉसओवर है, हालांकि अभी भी ये 100, 50 और 20 का असेंडिंग ऑर्डर अभी भी यहाँ पर बरकरार रख सकते हैं। लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट की हम बात कर रहे हैं, डेली चार्ट में कंटिन्यू अभी ये कुछ दिनों से कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में चला गया, तो अभी इसको फिर से इस तरह का अप ट्रेंड का सेटअप बनाने के लिए और समय यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे सकता है। कल का कैंडल देखे तो यहाँ पर बियरिश हरामी टाइप का एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है ये वाला, लेकिन ये डाउन ट्रेंड में आया है, तो यहाँ से और भी फॉल देखना, मतलब ये जो इसका हाई है और इसका ये जो लो है ये यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का काम कर सकता है। इस रेंज का ये जो हाई और लो है काफी क्रूशियल हो जाता है। अभी हो सकता है इस रेंज के बीच में काफी समय ये कंसोलिडेट हो और फिर इस लेवल के अकॉर्डिंग हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन यहाँ से आता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी काफी पैनिक भरा माहौल है, थोड़ा वेट करें। फ्रेशर्स, बिगिनर्स, जो कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं, मल्टीपल लेग ऑप्शन लेग के साथ यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, काफी आज मुश्किल होगा इंट्राडे ट्रेडिंग करना, लेकिन जो कल हमारा जो सेकेंड टारगेट था वहां पर हमने देखा कि सपोर्ट निफ्टी इंडेक्स टेस्ट कर रहा है, यानी 9376 के पास। तो ये जो कल का दोजी बनने के बाद एक बियरिश कैंडलस्टिक है उसका जो हाई है यहाँ पर ही है, लास्ट मतलब कल के दिन यहाँ पर दो बार इसने सपोर्ट टेस्ट किया था। तो आज 9380 के ऊपर अगर ये निफ्टी इंडेक्स चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9450, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9574, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो गैप डाउन ओपन हुआ था फ्राइडे को, इसका जो ये इनिशियल पॉइंट है 9128, इसके नीचे अगर चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 9040 के पास है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 8945, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।